दोस्तों फाइनली आज मेरे पास आ चुके हैं पोको M3 Pro, जिसके लिए आप सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे। मैंने फ्लिपकार्ट से बाय किया था और मेरे पास फाइनली प्रोडक्ट आ चुके हैं। आज इस वीडियो में इसका अनबॉक्स करने वाला हूँ और उसके साथ साथ एक छोटा सा रिव्यू आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। ये स्मार्टफोन आपके लिए कैसा होने वाला है जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना और चैनल को मास्ट भी सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को एक लाइक भी कर देना। तो चलिए बिना टाइम लेते हुए इस बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर सबसे पहले क्या क्या मिलते हैं। यहाँ पे सिंपल बॉक्स ओपन करने के बाद और एक छोटा सा बॉक्स देखने को मिलता है, जो यहाँ पे सबसे पहले सिम रिजेक्टर पिन देखने को मिल जाता है और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको कुछ मैनुअल गाइड बुक देखने को मिलता है और यहाँ पे एक टीवी केस देखने को मिलता है, जो कि ठीक ठाक है। एक नॉर्मल सा टीवी केस भी देखने को मिलता है और यहाँ पे डिवाइस देखने को मिलता है, इसको अभी मैं साइड में रखता हूँ। और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे एडाप्टर देखने को मिलता है, जो कि फास्ट चार्जर आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है और उसके साथ साथ टाइप सी केबल भी देखने को मिल जाता है। इसके बाद चलते हैं स्मार्टफोन की तरफ। सबसे पहले इसका डिजाइन मैं आप लोग को देखा देता हूँ। इसी यहाँ पे जो स्टिकर वगैरह इसको भी मैं हटा देता हूँ। जो डिजाइन देख सकते हो काफ़ी बढ़िया सा डिजाइन देखने को मिल जाएगा। येलो कलर आउट ऑफ स्टॉक था, इसीलिए मैंने ब्लू कलर को बाय किया, जो आप यहाँ पे देख लीजिए। काफ़ी बढ़िया सा लुक आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा और बैकसाइड की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप, एलईडी फ्लैश और पोको का लोगो भी देखने को मिल जाएगा। जो डिजाइन होने वाला है काफ़ी बढ़िया सा डिजाइन देखने को मिल जाएगा बैकसाइड की तरफ, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों इसका डिजाइन। ऐसे भी दोस्तों आपको क्या लगता है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों। डिजाइन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो चलिए स्मार्टफोन को सबसे पहले सेटअप कर लेते हैं। उससे पहले मैं आप लोग को कुछ स्पेसिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सेकेंडरी माइक्रोफोन, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट और स्पीकर देखने को मिल जाएगा। राइट साइड की तरफ पावर बटन देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे वॉल्यूम अप डाउन बटन भी देखने को मिल जाएगा। पावर बटन के ऊपर फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको देखने को मिल जाएगा। ऊपर की तरफ 3.5 mm हेडफोन जैक, आयर ब्लास्टर, सेकेंडरी माइक्रोफोन देखने को मिल जाएगा। और लेफ्ट साइड की तरफ सिम स्लॉट देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आपको डेडिकेटेड सिम स्लॉट नहीं दोस्तों, हाइब्रिड सिम स्लॉट का सपोर्ट आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे डिस्प्ले की बारे में बात करें तो 6.5 इंच का एक फुल HD प्लस रेजोल्यूशन का IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, जो होने वाला है दोस्तों फुल व्यू डिस्प्ले के साथ, क्योंकि मिडिल में एक 5x सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। इसका बेजल्स नीचे जो चेंज होने वाला है काफ़ी छोटा और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे 9x डिस्प्ले का रेशियो भी देखने को मिल जाएगा, जो काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। और इसका वीडियो क्वालिटी भी देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया सा वीडियो क्वालिटी भी देखने को मिल जाएगा। अगर आपने सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ कंपेरिजन करोगे तो वो नहीं चलेगा दोस्तों। IPS डिस्प्ले का जो क्वालिटी होता है उसी तरह क्वालिटी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे फोन साइड की तरफ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाएगा। तो जो डिस्प्ले होने वाला है काफ़ी बढ़िया सा और उसके साथ साथ 5000 mAh की काफ़ी पावरफुल बैटरी भी देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। और यहाँ पे जो बैटरी बैकअप होने वाला है काफ़ी बढ़िया सा आपको बैटरी बैकअप भी देखने को मिल जाएगा और उसके साथ साथ 18W का फास्ट चार्जर भी देखने को मिल जाएगा। इसके बाद बात करें इसका प्रोसेसर के बारे में, जो होने वाला है दोस्तों मीडिया के डायमोन्सिटी 700 चिपसेट, जो 5G चिपसेट है दोस्तों। अगर आपने यहाँ पे कोई भी गेम खेलना चाहते हो बहुत ही आसान तरीका से खेल सकते हो। और ऐप्स ओपनिंग थोड़े टाइम बाद ओपन हो रहा है, जो ऐप्स वगैरह मैंने ओपन किया था देख सकते हो थोड़े टाइम जाकर ओपन हो रहा है। और रैम मैनेजमेंट चेक करने के लिए मैंने बहुत सारे ऐप्स को ट्राई कर चुका हूँ, कुछ कुछ ऐप्स रैम के अंदर था और कुछ कुछ ऐप फिर से लोडिंग ले रहा था। तो ये मुझे पता नहीं है दोस्तों अपडेट के बाद हो सकता है ठीक हो जाएगा। तो इसके बाद बात कर लीजिए दोस्तों यहाँ पे और एक चीज़ देखने को मिल जाएगा, MIUI 12 का अपडेट देखने को मिल जाएगा और उसके साथ साथ स्मार्टफोन आने वाला है आउट ऑफ बॉक्स एंड्रॉइड 11 के साथ। और यहाँ पे सारे के सारे सेंसर भी देखने को मिल जाएगा और फिंगरप्रिंट सेंसर भी देख सकते हो, काफ़ी फास्ट देखने को मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे सिंपल टैप करो ओपन हो रहा है, जो साइट माउंटेन फिंगरप्रिंट सेंसर काफ़ी फास्ट आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। और फेस अनलॉक देख सकते हो थोड़े टाइम बाद जाके ओपन हो रहा है, सबसे पहले लॉक स्क्रीन आ रहा है उसके बाद जाके ओपन हो रहा है। तो फेस अनलॉक थोड़ा स्लो आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको सारे के सारे सेंसर देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे NFC के छोड़ के सारे सेंसर भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद बात करें इसका कैमरे के बारे में, बैक साइड की तरफ ट्रिपल कैमरा देखने को मिल जाएगा, जिसका मेन सेंसर होने वाला है 48 MP का और दो दो करके और दो सेंसर देखने को मिल जाएगा। सेल्फी के अंदर देखने को मिल जाएगा 1 MP का सेल्फी कैमरा। मैं कुछ आप लोग को पिक्चर क्वालिटी देखा देता हूँ, सिंपल
पिक्चर क्वालिटी देख सकते हो, 4K पिक्चर क्वालिटी देख सकते हो, जो यहाँ पे कैमरा क्वालिटी होने वाले काफ़ी बढ़िया सा कैमरा क्वालिटी भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। लेकिन अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देना चाहिए था, ऐसे भी आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसके बाद बात कर जाए स्मार्टफोन आपके लिए कैसा होने वाला है, तो 14,000 रुपीज़ के अंदर अगर आपने एक 5G स्मार्टफोन ढूंढ रहे तो स्मार्टफोन आपके लिए सही होने वाला है। और अगर आपने 5G के पास नहीं जा सकते हो तो आपके लिए रेडमी नोट 10 जो होने वाला है दोस्तों काफ़ी बढ़िया सा स्मार्टफोन, उसके पास भी जा सकते हो। ऐसे भी आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं।